जय भोलेनाथ। Excuse me. अरे आप मतलब जी कहिए। ये आपका पर्स है जी? अरे हाँ, इसमें तो हमारी प्रेमिका का चित्र है, हमारा ही है ये। ठीक है ठीक है, संभाल कर रखा कीजिए अपनी चीजों को, वो तो हमने देख लिया। हमारी जगह कोई और होता ना तो लेकर चला जाता। पर माफ कीजिएगा, हमारी पॉकेट में ही था ना, आपके हाथ कहाँ से? हमारा मतलब है कि आपको कहाँ से मिल गया? वो छोड़िए, आप चेक कर लीजिए कहीं कुछ गायब वायब तो नहीं, कहीं आप उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम लगाए। आप इतनी सुंदर, मेरा मतलब है कि आप इतनी अच्छी इंसान है, अगर आपको कुछ गायब ही करना होता तो भला आप वापस ही क्यों करती पर्स? ठीक है चलते हैं। पर सुनिए तो, मैं चली गई। कितनी चंचल था, कितनी रसमलाई, एक दूध की बोतल, मिश्री माखन 250 ग्राम भिजवा दीजिए। अरे नहीं, होटल वाले अड्डे पर नहीं, ये अपने मंदिर के पास वाले अड्डे पर। ठीक है, रखते हैं। कमाल है, इतना दुख पैसों के खोने का नहीं है जितना के जाने का। कितनी चंचलता। हेलो, हाँ जी, मैं बोल रहा था, माधव। नहीं, मंदिर में मुलाकात हुई थी ना आपसे जी? नहीं, वो दरअसल हम आपका नाम पूछना भूल गए थे। हेलो हेलो हेलो,
अरे हाँ, किससे बात कर रहे थे आप? आप ही से तो बात कर रहा था अभी मैं। कुत्ते जी? जी नहीं, आप हमारी भाभी जी से बात कर रहे थे। गलती से हमारा नंबर आपके पर्स में छूट गया था। भाभी का फोन आया था अभी, क्या बात कर रहे थे आप? अब जी हमने तो आपको थैंक यू बोलने के लिए कॉल किया था। आप जानते हैं हमारे भैया शहर के सबसे बड़े पहलवान हैं, बलराम राव से, और अगर उन्हें पता चल गया कि उनकी बहन को किसी ने कॉल किया है तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। आपकी बातें भाभी हमें स्पीकर ऑन करके सुना रही थी। लाइए हमारा नंबर वापस लीजिए और मोबाइल से भी डिलीट कीजिए और निकालिए 500 रुपये। फिर से 500 रुपये? हमारा मतलब है कि हमने गलती क्या की? हमने तो बस आपको थैंक यू ही बोला था। बहुत चंचलता करते हैं ना, इधर उधर ताकना, लड़कियां छेड़ना। शुक्र मानिए सिर्फ 500 रुपये ही मांग रहे हैं। अब भाभी को भी तो मनाना पड़ेगा ताकि वो भैया को कुछ ना बताए। उनका मुंह बंद रखने के लिए कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब उसके लिए 500 रुपये तो लगेंगे। आई एम सॉरी, माफ कर दीजिए हमें। लाइए 500 रुपये दीजिए। इट्स ओके, होता है कभी कभी। सुनिए, हम आपको कॉल करेंगे अगर हमें लगा तो। हाँ, इंतज़ार मत कीजिएगा हमारी कॉल का। आप वो छोड़िए, आप हमें ये बताइए, आप यहाँ के पुजारी की बेटी हैं, जादूगर हैं आप, हैं क्या आप? अचानक से हमें कैसे मिल जाती हैं? वो छोड़िए, ये बताइए किससे बात कर रहे थे आप अभी? का मतलब वो लड़की कौन थी आपके साथ? अच्छा वो, हाँ वो तो कजिन थी हमारी, मंदिर में घूमने आई थी तो हमने बात कर ली। क्या बात है? नहीं थी वो आपके मित्र? अरे सच में हमारी कजन थी वो? आजकल मंदिर बहुत आ रहे हैं, कोई कजन नजर नहीं थी वो आपकी? चाहे तो शर्त लगा लो। शर्त? देखिए आप शर्त बस मत लगाइए, अगर आप इस बार शर्त लगाएंगी तो हार जाएंगे हम। देखते हैं कौन हारता है। लाइए 500 रुपये शर्त के। अरे निश्चिंत रहिए, अगर हम हार भी गए तब भी हम आपको 500 रुपये देंगे, और अगर आप जीत भी गई तब भी आप हमें कुछ मत दीजिए। रहने दीजिए, हमें आपकी बातों पर विश्वास नहीं, और अगर हम हारे ना तो हम आपको पूरे पैसे देंगे, हम भी अपने वादे के पक्के हैं। 500 रुपये चाहिए ना आपको, ये लीजिए। आप सुनिए, चलिए हमारे साथ, हम आपको मिलवा ही देते हैं हमारी कजन से, आइए। रहने दीजिए, क्या पता आपने पहले से ही बात करी भी हो, चतुर तो आप हैं ही, हम खुद ही अपने अज्ञात सूत्रों से पता लगा लेंगे। अज्ञात सूत्रों से? अच्छा, हार गई ना शर्त आप इस बार, इस बार तो आप हमारे प्रेम में पागल ही हो जाएंगी। कितनी भोली है ना आप, कितनी चंचल था, कितनी चंचलता, कितनी चंचलता।
क्यों देवी, हार गई ना शर्त? प्रभु, आपको जरा सा भी क्रोध नहीं आता हमारी हरकतों पर? हमें आपकी हरकतों पर क्रोध क्यों आएगा देवी? मैं तो सारा समय अपने भक्तों के दर्शन में व उनको दर्शन देने में व्यस्त था। राधे, कभी कभी तो मन करता है कि वैकुंठ छोड़कर हम सीधा इसी मंदिर में अपने भक्तों के पास आ जाए। स्वामी, आपको भक्तों के उद्धार के साथ साथ जगत का पालन भी तो करना है, और मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। जैसा आप चाहें वैसा ही होता है। चलो राधे, आरती का समय हो गया है। प्रभु, आप जानते हैं हमने उन रुपयों का क्या किया? जानते हैं देवी, कुछ पैसा आपने हमारे भक्तों को भोजन कराने में, कुछ पैसा आपने मंदिर को दान करने में, और कुछ पैसा हमारे लिए माखन मिश्री लाने में खर्च कर दिए। हम भी तो वही कर रहे थे। ये देखो। आपकी महिमा प्रभु, आप ही जानते हैं।